हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की प्रोटीन डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत कभी नहीं होगी, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सुपर हेल्दी सैलेड जो कि है प्रोटीन सैलेड। चलिए फिर देखते हैं रेसिपी को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं छोले और राजमा, जिन्हें मैंने रात को ही भिगाने के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर भीग चुके हैं। तो अब हम ले लेंगे एक कुकर और कुकर में ये सारे छोले और राजमा इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बस राजमा आपके भीग जाए इतना ही आपको पानी डालना है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। अब इसका लिड लगाकर इसको गैस पर रख देंगे और इसमें मैंने लगा ली थी 3 सीटी, लेकिन आप अपने कुकर के हिसाब से इसमें सीटी लगाइएगा। तो लीजिए, सीटी लग चुकी है और आप देख सकते हैं राजमा और छोले बहुत अच्छे से मेरे यहाँ पर गल गए हैं। इनको ओवर कुक नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको नहीं गला देना है, बस इतना ही हमें इनको गलाना है कि इनके छिलके ना उतरें। और आपको मैं एक यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये पक गया है, इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतरा है। और दबाने से देखिए क्या अच्छे से ये दब गया है। तो इतने ही आपको अपने राजमा छोले पकाने हैं। अब एक बाउल ले लेंगे और उसमें मैंने करीबन 100 ग्राम छोले और राजमा दोनों मिलाकर यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो फ्रेंड्स, जितनी भी सब्जियां आप यहाँ पे ले रहे हैं सबको आपको एकदम फाइन चॉप करके ही डालना है। अब हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा खीरा। खीरा आपको यहाँ पर इसका छिलका नहीं उतारना है फ्रेंड्स, तो खीरा आप यहाँ पर डाल देंगे, ये भी बारीक काट कर ही आपको डालना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पनीर। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के बराबर पनीर लिया है, इसको भी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मूँगफली। तो यहाँ पर मूँगफली को मैंने भून कर डाला है और इसके छिलके मैंने हटा दिए हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्वाद आता है जब एक क्रंची क्रंची हमारी मूँगफली जो मुँह में लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम फ्रेश धनिया। आप यहाँ पर मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को ना डालें। जितनी भी सब्जियां हमने डालनी थी वो हमने यहाँ डाल दी हैं। आपको कुछ और यहाँ पर ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सैलेड है तो इसलिए मैंने प्रोटीन रिच चीज़ें ही यहाँ पर ज़्यादातर डाली हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा नींबू का रस। साथ में यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। नमक की मात्रा थोड़ी कम ही रखिएगा, क्योंकि छोले और राजमा को उबालते वक्त हमने नमक पहले से डाला हुआ था। थोड़ा सा स्वाद के लिए हम यहाँ पर काला नमक भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर। ये भी बहुत अच्छा स्वाद आता है फ्रेंड्स इसका। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप बिना इसके खाना चाहें तो आप चाट मसाला को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, आपका प्रोटीन सैलेड बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, कुछ जान के कुछ अनजाने में। तो आपको हफ्ते का एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि आप कुछ हेल्दी चीज़ खाएँ, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आपको ये आज का प्रोटीन सैलेड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको ये कुछ अच्छा और हेल्दी ऑप्शन लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।